हम अपना क्लास, आज हमारी सिक्स क्लास है, ऑलरेडी हम अपना कौन फर्स्ट यूनिट वन की बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट है, हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी, ये थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। आज हम स्टार्ट करें इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इसकी नेक्स्ट FDI के लाइन जो है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FDI के टाइप्स हो गए, क्या उनकी कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं दोनों होम और होस्ट कंट्रीज के, क्या FDI के ट्रेंड्स और क्या इंडिया के FDI की पॉलिसी है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो चलो आज का सेशन हम करते हैं अब स्टार्ट, डिले नहीं करते। सो जो आज हम फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दैट इज यहां से ये देखो, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये सेट करती है गाइडलाइंस और रेगुलेशंस जो कंट्री यानी इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज को गवर्न करेंगी, यानी ये बाउंड्री सेट कर देती है, ये गाइडलाइंस फ्रेम कर देती है, जिन गाइडलाइंस को हमने फॉलो करके अपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेड एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं उन्हें कैरी आउट करेंगे। इसका मेन एम क्या है, हमारी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो मेन एम है उसका मेन एम है एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस करना, ताकि जो कंट्री के रिजर्व्स बढ़ सके, कंट्री ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सके, प्रमोट करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री की है उसको फॉस्टर करना। देखो इंडिया ने अलग अलग मेजर्स को अडॉप्ट किया है ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे मान लो फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी होनी है, उसके लिए ही इंडिया ने अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे इंडिया की ग्रोथ के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंडिया ने अलग अलग मेजर्स को अडॉप्ट किया जिससे हमारा जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट होगा। आप अगर मैं आपको मेजर्स बताऊं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम चलाई गई हैं ताकि जो हम अपने इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनको प्रमोट कर सकें, जो आपके कस्टम प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए उनको एस्टैब्लिश किया गया था, ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज एंड रीजनल ब्लॉक्स, अलग अलग टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए दूसरी कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमने ट्रेड में इंडल्ज होना है, और रीजनल ब्लॉक्स के साथ। अब जो ये पॉलिसी थी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, इसका फोकस था कुछ मेन सेक्टर्स पे, वो थे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, वैल्यू एडिशन को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, उसे फॉस्टर करना। अब जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ना, इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था ताकि जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो सके और साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 27 सितंबर 2022 को एक्सटेंड कर दी थी जो एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही थी 2015-20 वाली। क्यों की थी? ये की थी जो ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल सिचुएशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। देखो जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन थी वो वोलेटाइल थी, वो ऊपर नीचे हो रही थी और करेंसी फ्लक्चुएशन भी हो रही थी। सो इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया था मार्च 2023 तक, यानी इस ईयर मार्च 2023 इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। आप इस लाइन को बहुत जरूरी याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 सितंबर 2020 को जो इंडिया की एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015-20 वाली उसे एक्सटेंड कर दिया था अप टू मार्च 2023। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एफडीआई के टाइप्स क्या है, हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं एफडीआई के होम कंट्री को भी और होस्ट कंट्री को भी, क्या एफडीआई में ट्रेंड्स हैं और इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है। देखो सबसे पहले तो हम करेंगे एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। जो सबसे पहले आता है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये वो इन्वेस्टमेंट जिसे कंपनी या इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक बिजनेस एंटिटी है उसमें करता है। मान लो अगर यूएस की कोई कंपनी इंडिया की कोई कंपनी या बिजनेस एंटिटी में जब इन्वेस्टमेंट करेगी उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से कह देंगे, या इंडिया की कोई कंपनी या एंटिटी जब यूएस की बिजनेस एंटिटी या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली ना एक लास्टिंग इंटरेस्ट और कंट्रोल एक फॉरेन एंटरप्राइज में इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब कहने का क्या है, जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो
आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंट्रोल को एक्वायर कर रहे हो, यानी आपका जो उस जिस एंटिटी में मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हो उसमें जो इंटरेस्ट होगा ना बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ये नहीं कि एक दो दिन के या एक दो मंथ का इंटरेस्ट होगा, बहुत लंबे टाइम के लिए आपके पास उसका कंट्रोल आगा, उसका इंटरेस्ट होगा। ये टिपिकली जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, या तो आप करोगे किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर लोगे, या आप अपनी ही सब्सिडरी फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश कर दोगे। दोनों तरीके मेन है जिससे एफडीआई की जाती है। सेकंड जो आती है वो आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का नाम लिया जाता है तब हम किसके बात का जिक्र करते हैं, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आ सकते हैं, आपके स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो फॉरेन एंटिटीज इशू करेगी विदाउट द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग मैनेजेरियल कंट्रोल। सिंपल बात मैं आप सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो अगर पहले यूएस की एग्जांपल लेते हैं, मान लो यूएस की अगर कोई कंपनियां उन्होंने अपने शेयर्स को इशू किया है, यानी अपने स्टॉक्स या बॉन्ड इशू किए, जब कोई इंडियन कंपनी या कोई इंडियन बिजनेस एंटिटी उनके स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट करती है, यानी उनके स्टॉक्स शेयर्स या बॉन्ड्स को परचेज कर लेती है, बट उसकी मैनेजेरियल कंट्रोल की कोई इंटेंशन नहीं है, तो तब हम उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत पैसिव और होती है, यानी ये एक्टिव है, क्योंकि इसमें कौन सा मैनेजेरियल कंट्रोल पे फोकस किया जाता है। इसका जो मेन फोकस है ना वो होता है फाइनेंशियल रिटर्न्स पे रैदर देन लॉन्ग टर्म कंट्रोल और मैनेजमेंट। जो कंपनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करती है, यानी फॉरेन एंटिटी में जब उसके शेयर्स बॉन्ड या स्टॉक्स वगैरह तो परचेज करती है, उसका मेन जस्ट मोटिव होता है कि उसने अपनी फाइनेंशियल रिटर्न्स को बढ़ाना है। ना तो उसे कोई लॉन्ग टर्म कंट्रोल के साथ लेना देना है, ना कंपनी के मैनेजमेंट के साथ लेना है। जबकि एज कंपैरिजन टू दिस, जब एफटीआई की जाती है तो एफटीआई में डायरेक्ट आप कंट्रोल एक्वायर करते हो, आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है कंपनी की, आपका लॉन्ग टर्म लास्टिंग इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में। ओके, क्लियर हो गया आपका एफटीआई और एफपीआई क्या होती है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले आती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक न्यू सब्सिडरी या वेंचर को इस्टेब्लिश किया जाता है फॉरेन कंट्री में, ऑफन इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटीज। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सिंपली ये कहते हैं, जब आप एफटीए करते हो, यानी बेसिकली ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, आप फॉरेन कंट्री में अपनी एक न्यू सब्सिडरी को इस्टेब्लिश करोगे या आप अपने एक न्यू वेंचर को इस्टेब्लिश करोगे, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आप अपनी न्यू फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करोगे फॉरेन कंट्री में। सो इसे नाम दिया गया है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का। सेकंड आते हैं एम एंड ए, यानी मर्जर्स एंड एक्विजन्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्वायर करते हैं या हम मर्ज कर लेते हैं एक एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी से, चाहे हम पूरा करें आइदर होली और पार्शली, यानी आइदर इंटायरली और पार्शली, टू गेन एक्सेस टू इस एसेट्स मार्केट्स और टेक्नोलॉजी। सिंपल क्या कहते हैं, देखो मर्जर और एक्विजन दो चीज़ है, या तो मान लो कोई इंडिया की कंपनी या बिजनेस एंटिटी फॉरेन में जाना चाहती है, एफटीए करना चाहती है, वो क्या कर सकती है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो क्या करेगी, अगर कोई फॉरेन की कंपनी मतलब डूबने के किनारे पे है या वो अपने आप को सेल करना चाहते हैं, तो वो उसको एक्वायर कर लेगी, उसे हम एक्विजन का नाम देते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या होती है कि हम क्या करते हैं, हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज कर लेते हैं, यानी दो, एक हमारी अपनी कंपनी एक फॉरेन की कंपनी मर्ज हो गए, हम वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो होता है मर्जर। अब ये दोनों चीज़ें या तो पार्शली भी की जा सकती हैं या इंटायरली भी। आप मर्जर आधा भी कर सकते हो, पूरा भी, एक्वायरिंग आप आधी भी कर सकते हो, पूरी भी। ये किया क्यों जाता है, देखो इसका मेन क्या कारण है, हमें मार्केट यानी फॉरेन मार्केट का एक्सेस चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यू जो एडवांस टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री में प्रिवेलेंट है, हमें रिसोर्सेज को टैप करना है जो हमें फॉरेन मार्केट में मिल रही है। ओके, नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल एफटीआई। देखो ये तब अक्कर होती है जब कंपनी इन्वेस्ट करती है सेम इंडस्ट्री अब्रॉड में जो उसके डोमेस्टिक ऑपरेशन है। मान के चलो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी उनका काम है क्लोथ को मैन्युफैक्चर वगैरह करना, वो जब अपने जो इंडिया में वो ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं, सिमिलर इंडस्ट्री में जब वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल मतलब बराबर, यानी आप सेम लेवल पे हो। सो आप जो बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में कैरी आउट करते हो, जब सिमिलर इंडस्ट्री में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे हॉरिजॉन्टल एफडीआई का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्टिकल एफडीआई। देखो वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस है इन्वेस्टिंग की प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी आप जब प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है उसके जो डिफरेंट स्टेजेस है हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड में। या तो ये इधर फॉरवर्ड होती है या बैकवर्ड होती है। फॉरवर्ड मतलब जब आप टूवर्ड्स दी मार्केट, बैकवर्ड तब होगे जब टूवर्ड्स दी सप्लायर। मान लो देखो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका सप्लायर से स्टार्ट होगा,
और मार्केट तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि सप्लायर्स रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। जब आप अपनी जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस की जो डिफरेंट स्टेजेस है, जब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर तो वो सप्लायर्स के टुवर्ड्स जाती है तो वो बैकवर्ड कहलाएगी, यानी बैकवर्ड वर्टिकल FTA। अगर वो मार्केट की तरफ जाएगी तो वो करवाएगी फॉरवर्ड वर्टिकल FTA। क्लियर है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, यू कैन मेंशन इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और जो पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट FDA पूछी गई थी, उसमें पहली थी कॉन्ग्लोमरेट FDA। देखो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज, यानी अब्रॉड। जब आप फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसका मेन एम क्या है, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट टू मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन दी होम कंट्रीज। सिंपल चीज है। कॉन्ग्लोमरेट FDA तब होती है जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन यानी अब्रॉड में कर रहे हो उन प्रोडक्ट्स में, उन जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आप होम कंट्री में नहीं कर रहे। यानी आपका एम ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है जो आप होम कंट्री में नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, तब आप कॉन्ग्लोमरेट FTA कर रहे हो। सेकंड आती है, मैंने आपको अभी जो आपको वर्टिकल है मैं दोनों बताई ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, उन दोनों को करते हैं। बैकवर्ड वर्टिकल FTA थोड़ा और डिटेल में, जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, जिसका एम क्या है, आप आउटपुट को सेल करोगे फर्म्स के ऑफ द फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब जब आपने जो प्रोडक्शन डोमेस्टिक कंट्री में, यानी जितनी आपने अपनी होम कंट्री में प्रोडक्शन की है, जब उसका ही आउटपुट आप फॉरेन कंट्री में सेल करने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो बैकवर्ड वर्टिकल FTA कहलाती है। फॉरवर्ड वर्टिकल FTA क्या होती है, जब फॉरेन की फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी ओवरसी और कंट्रोल एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ फॉरेन एसेट्स। यानी कि सिंपल फॉर्म में, अब थोड़ा सा इनका कॉन्टेक्स्ट में फर्क है, ध्यान से समझो। फॉरवर्ड देखो, आप जो बैकवर्ड वर्टिकल FTA, उसमें आप अपना जो आपने डोमेस्टिक कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस किया उसे जस्ट डायरेक्ट सेल ऑन कर देते हो फॉरेन कंट्री में, ओके। वर्टिकल फॉरवर्ड वर्टिकल में क्या किया जाता है, आप कंट्रोल एक्वायर करते हो फॉरेन एसेट्स का, आप फॉरेन फर्म्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उसे हम फॉरवर्ड वर्टिकल FDA के नाम से जानते हैं। और अब बात है इनवर्ड FTA क्या होती है। देखो जब ये भी एक तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज यानी अब्रॉड में यानी फॉरेन में, जिसका मेन एम है इनपुट्स को प्रोवाइड करना फॉर द फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन दी होम कंट्री। मतलब आप ऐसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां से आप इनपुट्स अपनी होम कंट्री में प्रोवाइड करोगे, जो आपकी होम कंट्री में जो आपकी फर्म है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उन इनपुट्स को यूज करेगी, तो इसे हम इनवर्ड FTA के नाम से जानते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टाइप्स क्या है FTI की। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो आता है कॉस्ट और बेनिफिट हमें क्या पड़ता है FTI को, होम कंट्री को भी और होस्ट कंट्री को भी। सबसे पहले हम बेनिफिट्स देखेंगे होम कंट्री को क्या है। देखो FTI के जो बेनिफिट्स होम कंट्री को जो मिलते हैं, वो हो सकता है कि उसके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, नॉलेज स्पिल ओवर होता है, हमें न्यू मार्केट्स का एक्सेस मिलता है। बट इन बेनिफिट्स के साथ साथ हमें पोटेंशियल कॉस्ट भी बढ़ती है, जैसे हमारी जो डोमेस्टिक जॉब्स हैं वो लॉस हो जाएंगी, उसका हमारा जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब होस्ट कंट्री को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी जिसमें FTA आप कर रहे हो, देखो इसमें क्या होगा, होस्ट कंट्रीज को कैपिटल इनफ्लोस होंगे। देखो होम कंट्री की डिसएडवांटेज थी कि कैपिटल आउटफ्लो होंगे, अब होस्ट का वो बेनिफिट बन गया, उनको कैपिटल मिलेगी, उनमें भी जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्किल्स इनहेंस होगी, नॉलेज इनहेंस होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, यानी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब साथ इन बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ कॉस्ट भी पड़ती है, जैसे उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट होंगे, जो लोकल फर्म्स हैं उनको कम्पीट करना पड़ेगा, उनको तकड़ा कंपटीशन मिलेगा, और जो प्रॉफिट्स आप होस्ट कंट्री में अर्न करोगे आप उनको ट्रांसफर अपनी होम कंट्री में करोगे, यानी प्रॉफिट्स की रिपेट्रिएशन होगी। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो देखो जो इंडियन कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है आउटसाइड इंडिया से फॉर इशूइंग शेयर्स कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और प्रेफरेंशियल अंडर FTA स्कीम, उसकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। मान लो कोई इंडियन कंपनी है, उसने अपने शेयर्स अपने प्रेफ इशू, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे कन्वर्टिबल डिबेंचर हो चाहे प्रेफरेंशियल, उसने इशू कर दिए। अब कोई फॉरेन की कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स में जब इन्वेस्टमेंट कर गया, यानी इंडियन कंपनी को इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रही है, तब उसको ये
तब उसके लिए एफडीआई स्कीम के अंडर एक रिक्वायरमेंट है, उसे ये सारे जो उसके पास इनफ्लोस आ रहे हैं पैसे के, उसके पूरे डिटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जो कंपनी को ये रिपोर्ट सबमिट करनी है वो उसे 30 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी जब उसे इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट हो गई है, यानी इन्वेस्टमेंट जब उसे रिसीव होगी। मान लो अगर आज मुझे थ्रू मतलब मेरे मैं इंडियन कंपनी, मान लो आप हमारी इंडियन कंपनी है, हमने आज प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह इशू किया और किसी फॉरेन के बंदे में उनमें इन्वेस्ट कर लिया, या हमें फॉरेन से पैसा आया इंडिया में हमें रिसीव हुआ। सो अगर हमें आज पैसा रिसीव हो रहा है थ्रू अवर शेयर्स, तो हम क्या करेंगे, हमें 30 दिन के अंदर अंदर इस इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फर्निश करनी ही पड़ेगी। अब जो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ये आरबीआई को हेल्प करती है मॉनिटर करने के लिए, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस हो रहे हैं कंट्री को उनको रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये लाइन बड़ी अच्छे ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स अमिड द COVID-19 पैंडेमिक, द इंडियन गवर्नमेंट हैज टाइटन्ड रेगुलेशंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्री दैट शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया। जब अभी रिसेंट आपको पता है 2020 से लेकर 21 तक COVID-19 का पेंडेमिक आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको लगा कि कुछ होस्ट जो अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर हो सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू डोमेस्टिक फर्म्स के, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफडीआई की कंट्री, जो एफडीआई की पॉलिसी या रेगुलेशन है उनको टाइटन कर दिया था उन कंट्रीज के लिए जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देखो एफडीआई आपको सिंपल पता है कि जब फॉरेन की एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग बिजनेस ऑपरेशन एक्वायरी ओनरशिप टेक स्टेक्स इन डोमेस्टिक कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। सिंपल, एक बार रीकैप दे देता हूँ आपको, सिंपल पता है एफडीआई जब फॉरेन की कोई एंटिटी या कंपनी इंडिया में किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको मैनेजमेंट एक्वायर करने के लिए, कंट्रोल एक्वायर करने के लिए या उसकी ओनरशिप एक्वायर करने, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, जो एफडीआई है वो ज़्यादा मोस्ट ऑफ सेक्टर जितने इंडिया में है ना, लाइक जितने भी अपने सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। जिसका मतलब, देखो एफडीआई करने के दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में ना एफडीआई इंडिया में थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, जिसका मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं, यानी किसी फॉरेन कंपनी एंटिटी को इंडियन गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं अगर उसने एफडीआई करना है। बट कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, यानी ऐसे इंडिया में सेंसिटिव इंडस्ट्री है जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने गवर्नमेंट रूट एफडीआई का इंट्रोड्यूस कर दिया, जो उन कंट्रीज के लिए जो इंडियन इंडियन यानी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। अब जो गवर्नमेंट रूट था ये क्या कहता था, इसकी एक रिक्वायरमेंट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके कि फ्रॉम दीज कंट्रीज टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी गवर्नमेंट रूट क्या कहता था। अब गवर्नमेंट रूट जिन कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल किया गया था वो ये कहता था कि आपने अगर कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल ला रहे हो आपको पहले गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब भी आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। अब ये क्या अलाउ करता था, अब ये गवर्नमेंट को अलाउ कर रहा था वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्क्रूटिनाइज करते थे, यानी उनको पता चलता था एडवांस में इंडिया में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, वो उसके अच्छे डिटेल में स्क्रूटिनाइज करते थे और वो असेस कर लेते कि इस इन्वेस्टमेंट से कोई इंडिया को पोटेंशियल रिस्क तो नहीं है, यानी कोई रिस्क नेशनल सिक्योरिटी या डोमेस्टिक इंटरेस्ट किसी तरीके का एफडीआई के थ्रू फेस तो नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये तो था गवर्नमेंट रूट। अब COVID-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, वो पर्टिकुलरली कॉशियस हो गई थी, क्या जो कि कोई भी डोमेस्टिक फर्म का फॉरेन एंटिटी के थ्रू के अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर ना हो पाए, यानी खास करके पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत अलर्ट हो गई थी ताँ जो कोई भी डोमेस्टिक जो हमारी इंडियन फर्म है उसका टेक ओवर ना हो सके, यानी किसी फॉरेन की कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसका टेक ओवर कर जाए। सो इस जो अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज हुई थी पेंडेमिक के कारण, उन्होंने वल्नरेबिलिटीज को क्रिएट कर दिया था जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स एक्सप्लॉइट कर सकते थे। ओके, अब इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने मैंडेट कर दिया जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है कि अगर आपने एफडीआई करनी है तो आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही करनी पड़ेगी। जिससे क्या हुआ, जब जो एफडीआई के प्रपोजल्स इंडिया में आ रहे थे उनकी स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, उनको अच्छे से देखा जा रहा था,
ताजो उन इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। अगर तो जब इंप्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट रूट को एफडीआई, मतलब जो एफडीआई के लिए गवर्नमेंट रूट है, जब उसको इंप्लीमेंट किया गया नेबरिंग कंट्री से जो होनी है, तब उसका इंडियन गवर्नमेंट का मेन, इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने का इंडियन गवर्नमेंट का मेन एम यही था कि जो उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वह उनको सेफगार्ड कर पाए और जो अपने इंडिया के बंदे हैं या उनकी इंडस्ट्री है उन अपना नेशनल इंटरेस्ट को चैलेंजिंग टाइम्स में प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, समझ आ गया आपको अच्छे से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कुछ रीसेंट ईयर्स में ना जो मॉरिशियस है ना वो इंडिया के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस ने इंडिया में किया कुछ रीसेंट टाइम में। अब ये एक मेजर चैनल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस का इंडिया में, यानी सबसे ज़्यादा रीसेंट टाइम में मॉरिशियस से इन्वेस्टमेंट फ्लोस इंडिया में आ रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने ओपन अप कर दिया डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन प्लेयर्स के लिए ग्रेजुअली। अर्लियर देखो, अर्लियर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बट धीरे धीरे अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो ओपन अप कर रही है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रेजुअली, ताजो वो भी ग्लोबली कम्पीट कर पाए। अब जो फॉरेन डायरेक्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में है मैन्युफैक्चरिंग में, वो ज़्यादा मार्केट सीकिंग है, यानी जब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन की कोई कंपनी एंटिटी कर रही है वो इंडीड लार्जली मार्केट सीकिंग है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो जो मार्केट सीकिंग एफडीआई है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनीज, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है एक्सेस करना और सर्विस सर्व करना डोमेस्टिक मार्केट में होस्ट कंट्री की। मतलब अगर मैं आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, मान लो हम इंडिया से कोई इन्वेस्टमेंट कर, पहले वैसे तो ये चीज़ ना इंडिया में होने वाली है, चलो मान लो फॉरन, हम फॉर सही तरीके से इसको समझते हैं, यूएस की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ना वो मार्केट सीकिंग होगी। मतलब जब ये इन्वेस्टमेंट करने का फॉरेन की कंपनी यानी यूएस की कंपनी ने सोचा होगा ना, उसके दिमाग में एक मेन एम होगा कि उसने जो इंडियन की डोमेस्टिक मार्केट है ना यानी उसकी होस्ट कंट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसने उसको सर्व करना है और उसका एक्सेस चाहिए। सो ये होती है मार्केट सीकिंग एफडीआई, यानी आप जब जिस कंट्री में यानी जिस होस्ट कंट्री में आप मार्केट सीकिंग एफडीआई करने जा रहे हो आपको उस कंट्री के मार्केट का एक्सेस चाहिए। ओके, अब जो इंडिया ये ना एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है मार्केट सीकिंग एफडीआई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बहुत रीजंस हैं इसके। जैसे सबसे पहला तो जो कंज्यूमर बेस है इंडियन का वो बहुत बड़ा यानी लार्ज है और अभी भी ग्रो कर रहा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। उसके बाद मिडिल क्लास है जो एक्सपेंड कर रही है, हमारी जो परचेजिंग पावर है इंडियन कंज्यूमर की वो बढ़ रही है। सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट सीकिंग एफडीआई को। अब जो फॉरेन कंपनीज है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफन इस्टेब्लिश करती है इंडिया में, क्यों करते हैं? ताजो वो हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक डिमांड है यानी प्रोडक्ट्स क्या उनको केटर किया जा सके। अब ये जो प्रोडक्ट्स होंगे इनकी रेंज ऑटोमोबाइल से ले लो, इलेक्ट्रॉनिक से ले लो, कंज्यूमर गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। फर्दर मोर इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अलग अलग पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है ताजो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको इनकरेज किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर मैं आपको इसकी मेजर एग्जांपल दूं तो मेक इन इंडिया कंपेन इसीलिए ही चलाया गया था। अब इस इनिशिएटिव का एम क्या था? जो आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो बूस्ट हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया में हमारी कंट्री में वो क्रिएट हो सके एडिशनल। अब जो मार्केट सीकिंग एफडीआई है ना ये प्रोमिनेंट है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे तो दूसरे टाइप्स की एफडीआई भी इंडिया में काम करती है बट ये प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं तो एक रिसोर्स सीकिंग एफडीआई आती है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस लेने के लिए, और एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी आप अपनी कॉस्ट एडवांटेजेस को जब लिवरेज करना चाहते हो या अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को लिवरेज करना चाहते हो। अब ये प्रेजेंट है कुछ एक्सटेंट तक इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में, ये दोनों टाइप की एफडीआई भी प्रेजेंट है कुछ सेक्टर्स में, बट जो आपकी मार्केट सीकिंग एफडीआई इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक रिसोर्स सीकिंग एफडीआई होती है एक एफिशिएंसी, उसमें से एक रिसोर्स सीकिंग फॉरेन डायरेक्टमेंट को थोड़ा डिटेल में करते हैं क्योंकि पेपर में इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो रिसोर्स सीकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करती है एक पर्टिकुलर कंट्री में, जब उसकी जब इंटेंशन क्या होगी यानी फॉरेन
एमएनसी या उसकी इंटेंशन क्या होगी, एक्सेस लेना और यूटिलाइज करना जो नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में अवेलेबल है, या लार्ज पूल ऑफ जो स्किल्ड और लेबर कॉस्ट लेबर का अवेलेबल है उसको टैप ऑन करना। सिंपल चीज बताता हूँ, क्यों ज्यादा कंट्रीज चाइना में, यानी क्यों एमएनसीज ज्यादा चाइना में एफटीआई करती है, यानी क्योंकि वहां पे जो रिसोर्स सीकिंग एफटीआई है, मतलब एक तो वहां पे अबंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज की। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टिक मत करना, यानी फर्स्ट फैक्ट है जब कंपनी यानी जब एमएनसी के जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि उसने फॉरेन कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अबंडेंस में अवेलेबल है उनको टैप ऑन करना है, उनका एक्सेस चाहिए। सेकंड, या उन्हें वहां पे लो कॉस्ट लेबर मिल सकती है या स्किल्ड लेबर का अच्छा पूल है, तब रिसोर्स सीकिंग एफटीआई की जाती है। सो सेम चीज इंडिया में भी एप्लीकेबल है। अब वो क्या कहते हैं, कुछ हाइलाइट्स है जो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई के लिए मूव टू कंट्री वे रॉ मटेरियल मैन पावर एंड अबंडेंस। दो मेन चीजें हैं, रॉ मटेरियल और मैन पावर, यही मेन दो हाइलाइट्स है जो रिसोर्स सीकिंग एफडीआई को इनकरेज करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल, देखो जो एमएनसीज ऐसी इंडस्ट्रीज में इंगेज है लाइक माइनिंग में, ऑयल में, गैस एक्सट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, जिनको हैविली रिलाई करना पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सेस में, तो वो ऑफनली ऐसी कंट्रीज देखती हैं जिनमें ये रिसोर्सेज अबंडेंट में हो, और उनको अबंडेंट में साथ साथ उनको ईजिली एक्सेसिबल भी हो। सो ये कंट्री जो ये एमएनसीज है ये इन्वेस्ट करेंगी जो उन कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल में रिच हो, यानी उनमें रॉ मटेरियल की अबंडेंस भी है और इजिली एक्सेसिबल भी है, और एमएनसीज एक स्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई ऑफ इनपुट्स को सिक्योर करना चाहते हैं। उन्हें ये होता है हमें स्टेबल कॉन्स्टेंट अच्छी सप्लाई मिलती रहे रॉ मटेरियल की, डेट टू एट लोअर कॉस्ट यानी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, ताकि जो उनके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से चलते जाए। सेकंड जो मेन हाईलाइट है वो है मैन पावर की। अब जो एमएनसीज है वो चूज करते हैं इन्वेस्ट करने में उन कंट्रीज में जहां पे उन्हें एम्पल सप्लाई मिल सके स्किल्ड और लो कॉस्ट लेबर की। एक तो उन्हें लेबर भी अच्छी चाहिए, स्किल्ड नॉलेजेबल चाहिए, साथ में लो कॉस्ट में मिलती है, यानी एमएनसीज उन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, उनको चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो जब आपको एक्सेस मिल जाता है लार्ज लेबर पूल का, वो चीज़ एमएनसीज को अलाउ करती है कि वो बेनिफिट ले सके कॉस्ट एडवांटेजेस का और स्पेशलाइज स्किल्स और एक्सपर्टाइज को टैप ऑन कर सके। ये क्या करेगा, ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी जो ऑपरेशन की कॉस्ट एफिशिएंसी है उसको बनाए रखने के लिए। ओके, होप्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कुछ पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डोमेस्टिक फॉर्म में होस्ट कंट्री में। मान लो फॉरेन की कंट्रीज जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया उनके लिए होस्ट कंट्री होगी। अब हमें फॉरेन की इन्वेस्टमेंट यानी उनकी एफडीआई के क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं इंडिया में, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट मोनोपोली। देखो जब एफडीआई की जाती है लार्ज एमएनसी की तरफ से इंडिया में खास करके, यानी आप एग्जांपल के थ्रू समझ लो, तो उससे क्या होगा, जो मार्केट कंसंट्रेशन है एक तो वो इंक्रीज हो जाएगी, कंपटीशन रिड्यूस हो गया, जो हमारी डोमेस्टिक फॉर्म्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा क्योंकि सारी की सारी पावर एमएनसीज के हाथ में आ जाएगी। सेकेंड आती है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। जो हम मान लो हमारी जो डोमेस्टिक फॉर्म्स हैं इंडिया आएंगे वो डिपेंडेंट हो जाएंगी फॉरेन इन्वेस्टर पे, ताजो उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल सके। हमें टोटली फॉरेन की कंपनी पे डिपेंड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिए, जो हम क्या करें, जो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस है ना उसको हिंडर कर देगी। सेकेंड थर्ड आता है प्रॉफिट का आउटफ्लो। अब जो प्रॉफिट जनरेट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में एफडीआई के थ्रू, वो इंडिया में नहीं छोड़ के जाएंगे, वो इसको रिप्रेट्रिएट कर देंगे अपनी होम कंट्री यानी जहां पे वो बिलोंग करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रॉफिट्स इंडिया में अर्न हो रहे उसका आउटफ्लो होगा होस्ट कंट्री से, और ये डोमेस्टिकली फर्म्स जो डोमेस्टिक हमारी फर्म्स हैं नॉर्मल जो इंडिया की फर्म्स हैं उनकी पोटेंशियलिटी को ये इम्पैक्ट करेगी चीज़। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एफडीआई के ट्रेंड्स क्या है, यानी ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला देखो जो ग्लोबल एफडीआई फ्लोस है ना वो इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग फैक्टर्स में, जैसे जिनमें आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केट साइज अफेक्ट करती है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में कैसी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी है, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैसे है। उसके बाद जो आपके एफडीआई फ्लोस है ना वो ज्योग्राफिकली शिफ्ट किए जा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से अट्रैक्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू देयर एक्सपेंडिंग इकोनॉमीज। देखो ज़्यादा जो एफडीआई फ्लोस हो रहे हैं ना उन कंट्रीज में हो रहे हैं, यानी जो डेवलपिंग है जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं,
क्योंकि उनमें जो उनकी इकोनॉमीज है वो ग्रो कर रही है, उनके कंज्यूमर बेसिस ग्रो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है। जो आपका एफटीआई का इंक्रीजिंग फोकस उन सेक्टर्स पे है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के, रिन्यूएबल एनर्जी के, ई कॉमर्स के और सर्विसेज के। ओके, तो ये मेजर ट्रेंड्स मैंने आपको बता दें जो एफडीआई में है। अब इंडिया की एफडीआई पॉलिसी को स्टडी करते हैं। देखो, जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट अलग अलग तरीके ने डिफरेंट टाइप्स के रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने लिबरलाइजेशन कर दी कई सेक्टर्स की इंडियन गवर्नमेंट ने, प्रोसीजर एफडीआई के सिंप्लीफाई कर दिए, जैसे ऑटोमेटिक रूल में कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स में भी रिलैक्सेशन दी गई थी। अब जो इंडिया की एफडीआई पॉलिसी है वो अलाउ करती है ऑटोमेटिक अप्रूवल काफी हद तक डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे बट कुछ अभी भी ऐसे सेक्टर हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं जिनमें गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही एफडीआई अलाउड है। अब जो की सेक्टर्स हैं इंडिया में जो एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रिटेल हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी का। अब इंडिया की एफडीआई पॉलिसी का मेन एम यही था कि वो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, जो इंडियन की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट किया जा सके, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उन्हें फोस्टर किया जा सके और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सके। ओके, ये थी इंडिया की मेजर एफडीआई पॉलिसी, यानी कॉमन बेस एफडीआई पॉलिसी का। अब एफडीआई फ्लोस हमारे जो इकोसिस्टम में है, अब देखो जो आपके एफडीआई फ्लोस इकोसिस्टम है ना, इसे ज्यादा अच्छे से क्यों नहीं एक्सप्लेन करती, दो थ्योरीज है वो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जिसमें से सबसे पहला है ओएलआई फ्रेमवर्क, यानी ओली फ्रेमवर्क। ओ स्टैंड फॉर ओनरशिप, एल फॉर लोकेशन एंड आई फॉर इंटरनेशनलाइजेशन। अब इस थ्योरी का एम्फोसिस क्या है, मोटिवेशन फॉर फर्म्स टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री। ये थ्योरी मोटिवेट करती है कि जो आपकी फर्म्स हैं वो ट्राई करें कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो आपकी सेकेंड रेलिवेंट थ्योरी है वो है एक्लेक्टिक पैराडिग्म। ये दो चीजों, एक तो ये ओली फ्रेमवर्क और दूसरा फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज के दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करता है एफडीआई फ्लोस को एक्सप्लेन करने के लिए इकोसिस्टम में। अब जो ये थ्योरीज है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो आपके एफडीआई फ्लोस के उसके लिए आपको प्रोवाइड करता है और अलग अलग फैक्टर्स को अपने अकाउंट में लेता है, जैसे मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स सीकिंग इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट, जो एप्लीकेबल है इकोसिस्टम्स में। ओके, होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आज के सेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जो है स्टेप्स इन द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इज एज फॉलो। देखो, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है उनको अगर अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है तो उनको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है उनको स्टडी करते हैं, एज इट इज ये पेपर में पूछा गया था। देखो, सबसे पहला स्टेप आता है प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपका सेबी है आपको, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। सेकेंड स्टेप में फी की पेमेंट की जाती है। जब आपको सेबी से अप्रूवल, यानी पोर्टफोलियो मैनेजर्स को सेबी से अप्रूवल मिल गया, तो पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको जो रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फीस है, जो रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू एज पर रेगुलेशन ऑफ सेबी, उसे पे करना पड़ेगा। थर्ड में क्या किया जाता है, एडिक्वेट स्टेप्स फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस। अब जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको जरूरत है इस्टेब्लिश करने की और मेंटेन करने की एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो एड्रेस करेगा और इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करेगा। ये स्टेप ये इंश्योर करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक रिकोर्स है कंप्लेंट्स और कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ स्टेप में आता है मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। देखो, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको एक रिक्वायरमेंट है कि उनको एक मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल एज ए सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, जिसे सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। ये चीज देखो, जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करते हो तो ये इंश्योर करता है कि आपके पास सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो आपको हेल्प करेंगे अपनी ऑब्लिगेशंस को बीट करने के लिए और इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए। लास्ट स्टेप यानी फिफ्थ नंबर स्टेप जो आता है वो आता है अबाइड बाय द रेगुलेशंस अंडर द सेबी एक्ट। देखो, जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जिनको फ्रेम कर करेगा, जिनको स्पेसिफिक कर करेगा सेबी एक्ट।
ये इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट आपको अबाइड करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, आपको अपनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, या इसके अलावा कोई भी अगर रेगुलेटरी प्रोविजन है जो सेबी ने सेट की सो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। सो होप्स हो आपको आज का FDIs क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या, उसमें ट्रेंड्स क्या, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, सब कुछ डिटेल में समझ आ गया होगा।